आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट न्यूज के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज के सुर्खियों पर। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बेलगाम शहर सज गया है। गुजरात में स्कूल भवन की नाव पलटी, 14 की मौत। संत बाड़ूमामा मंदिर के सरकारीकरण के खिलाफ गरगोटी में धरना आंदोलन। प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र की जनता को भावनात्मक आह्वान। बिल्किस बानो मामले में याचिका के लिए समय बढ़ाने की मांग खारिज। कांगनेड़े गुरुपीठ महासंस्था के न्यासि मंडल में लक्ष्मण चिंगड़े की नियुक्ति। सोमवार को मांग, शराब की दुकानें बंद रखने का बयान। शहर में हनुमान चालीसा सामूहिक पाठन कार्यक्रम का आयोजन। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी दे टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा। तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमती। बीएससी दे टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाडी, बेलगावी। यह दिवाली अमरकॉन की दिवाली मेगा उत्सव ऑफर के साथ 1000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज सुजुकी एक्सेस 125 स्कूटर, सेकंड प्राइज 50 इंच एलईडी टीवी, थर्ड प्राइज 42 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 89 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, प्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट्स, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, कर्टन्स एंड फर्निशिंग। अमरकॉन, खड़ी बाजार, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर में सोमवार 22 जनवरी को होने वाली मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर शहर और बाजार भगवामय हो गया है। 100 से ज़्यादा तरह की सामग्रियां बाजार में आ गई है और कारोबार भी बढ़ गया है। लोगों के उत्साह को देखते हुए अंतिम 4 दिनों में करोड़ों का कारोबार होने की उम्मीद है। बाजार में दुकानें राम हनुमान के चित्र वाले झंडे, टोपियां, टी शर्ट, शंख आदि से सजी हुई है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर शहर के उपनगरों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। दियों और रोशनियों के साथ बाजार में रंग बिरंगी लाइटिंग, सजावटी फूलों की मांग भी बढ़ गई है। ज्यादा यूनिट खरीदने पर डिस्काउंट दिया जाता है। युवा महिलाओं के रूप में कारोबार में वृद्धि हुई है। ग्रामीण एक समय में 100 से अधिक टुकड़े खरीदते हैं। गुजरात मुंबई इचलकरंजी से झंडे, टोपी, टी शर्ट आदि सामग्री का ऑर्डर दिया गया था, तो कुछ सामग्रियां स्थानीय स्तर पर उत्पादित की जाती है। गुजरात में स्कूल भ्रमण की नाव पलटी, 14 की मौत। गुजरात में बड़ा हादसा हो गया। बड़ोदरा की हरनी झील में स्कूली छात्रों से भरी नाव पलट गई है। इस घटना में 2 शिक्षकों और 12 छात्रों समेत 14 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद फायर ब्रिगेड झील में सर्च ऑपरेशन चला रही है। हरनी झील में बोटिंग के लिए 27 छात्र आए थे। नाव पर किसी ने भी सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट नहीं पहना था।
झील में जाने के बाद नाव छात्रों समेत पलट गई। नाव में सवार 27 लोग झील में गिर गए। इसमें 2 शिक्षकों और 12 छात्रों समेत 14 लोग की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की ओर से झील में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड कुछ छात्रों को बचाने में सफल रही है। संत बालूमामा मंदिर के सरकारीकरण के खिलाफ गारगोटी में धरना आंदोलन। संत बालूमामा देवस्थान जो न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में भक्तों के लिए पूजा का स्थान है, में प्रशासन नियुक्त करना सरकार की ओर से पहला कदम है और भक्तों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जाता है। सदगुरु बालूमामा देवस्थान संरक्षण एक्शन कमेटी और महाराष्ट्र मंदिर महासंघ ने आज क्रांति ज्योति चौक गोरगोटी कोल्हापुर में बालूमामा देवस्थान संरक्षण आंदोलन का आयोजन किया। ये मांग उस वक्त की गई थी। विरोध प्रदर्शन के बाद अन्य मांगों का एक बयान तहसीलदार श्रीमती अश्विनी वरुते को दिया गया, जिसमें मंदिर को बालूमामा के सच्चे भक्तों को सौंपा दिया जाना चाहिए। इस आंदोलन में बालूमामा हर सिद्धिनाथ सेवाकारी संस्था अखिल भारतीय हिंदू कटिक समाज बालूमामा देवस्थान शामिल थे। भक्त मंडल बालू प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र की जनता को भावनात्मक आह्वान। एक सप्ताह के बाद दूसरी बार महाराष्ट्र दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोलापुर में एक सार्वजनिक बैठक में अपने हाल ही में जारी नारे मोदी की गारंटी का 10 से अधिक बार उल्लेख करके मतदाताओं से उन्हें फिर से चुनने की भावनात्मक अपील की। एक तरह से सोलापुर में मोदी ने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंक दिया। इसके अलावा उन्होंने जानबूझकर पद्मशाली और विश्वकर्मा के 2 समुदायों का उल्लेख किया जो सोलापुर में महत्वपूर्ण मतदाता है और इन मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। सोलापुर जिले की सोलापुर और माधा दोनों लोकसभा सीटें वर्तमान में भाजपा के पास है। इसके अलावा बीजेपी ने लातूर और धाराशिव के आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए मोदी के बैठक का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया। बिल्किस बानो मामले में याचिका के लिए समय बढ़ाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार में 11 दोषियों को माफी देने के गुजरात सरकार के फैसलों को रद्द कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और आरोपियों को माफ करने के फैसले को रद्द कर दिया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपराधियों को एक और झटका दिया है। अपराधियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मोहलत मांगी थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंग रेप मामले में आरोपियों को सरेंडर करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। जज ने यह भी कहा कि इस दलील का कोई मतलब नहीं है, अतः यह याचिका निरर्थक कही गई है। कागी न्याय गुरुपीठ महासंस्था के न्यासी मंडल में लक्ष्मण छिंगड़े की नियुक्ति। कागी नेड़े महासंस्था गुरुपीठ महासंस्था कनक गुरुपीठ कांगी नेड़े ट्रस्ट चुनाव 1992 के बाद पहली बार महासंस्था न्यासी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। कांगी नेड़े महासंस्था में एक बैठक आयोजित की गई और उप पंजीकरण कार्यालय ब्याड़गी में जगत गुरु श्री निरंजन नंदपुरी स्वामी जी की अध्यक्षता में ट्रस्टों का आधिकारिक पंजीकरण किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ट्रस्टी के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर उत्तरी कर्नाटका के लक्ष्मण छिंगड़े को ट्रस्टी के रूप में चुना गया। उनके चुनाव से बलराम जिले के धनगर समाज में उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर जगतगुरु श्री निरंजनानंद स्वामी द्वारा नए ट्रस्ट का अभिनंदन किया गया। सोमवार को मां शराब की दुकानें बंद रहने का बयान। सोमवार 22 तारीख को अयोध्या में श्री रामचंद्र की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस समारोह ने पूरे देश में एक नई चेतना और भक्तिमय माहौल पैदा किया है। यह दिन देशवासियों के लिए पवित्र और सात्विक बन रहा है। इस दिन कई मंदिरों में भजन कीर्तन सामूहिक जप महाप्रसाद जैसे कार्यक्रम होंगे। इसलिए श्री राम सेना कर्नाटक की ओर से नायब तहसीलदार मृत्युंजय दांगी को इस दिन निपानी क्षेत्र में मांस मछली गैर सब्जियां और शराब की बिक्री बंद कर इस पवित्र कार्य में भाग लेने के लिए एक बयान दिया गया था। इस अवसर पर श्री राम सेना के निपानी तालुका प्रमुख अमोल टेंडके बबन निर्मले अजित पारले अजित पाटिल चारुदत्त पावले रविन्द्र सिंह शहर में हनुमान चालीसा सामूहिक पाठन कार्यक्रम का आयोजन। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बाल राम की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर 45 दिनों तक हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भगवान श्री राम के चरणों में हनुमान चालीसा समर्पित करने की योजना बनाई गई है।
45 दिनों के लिए हनुमान चालीसा परिवार और विश्व हिंदू परिषद बेलगाम और सभी श्री राम भक्तों के सहयोग से समाज के सभी समुदायों के भक्तों की इच्छा से शनिवार 20 जनवरी 2024 को शाम 5:30 बजे सुरकवाड़ी के वैक्सीन डिपो ग्राउंड और बेलगाम के सरदार मैदान में हजारों राम भक्त एक स्वर में भक्ति भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। बेलगाम में लक्ष्य हनुमान चालीसा पाठ का विशेष प्रयास किया गया है। इस कार्यक्रम में दोनों मैदानों में 20,000 से ज्यादा भगवान श्री राम और हनुमान के भक्त जुटने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में पिछले 5 दिसंबर से हर शाम 7:30 से 8:30 बजे तक 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है और इसमें सैकड़ों माताएं, बच्चे, युवा, पुरुष और महिलाएं भाग ले रहे हैं। अब तक लगभग 51,000 हनुमान चालीसा जाप पूरे हो चुके हैं, ऐसी जानकारी दी गई। इस मौके पर कृष्णा भट्ट, श्रीकांत कदम और विश्व हिंदू परिषद के अन्य सदस्य मौजूद थे। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक कि होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। शुभ दीपावली के वस्त्र खरीदारी के लिए आराधना, मारुति गली, बेलगाम। खुशियाँ आराधना। यह दिवाली आराधना और आदर्श की धमाका ऑफर के साथ खास आपके लिए 1,000 रुपए की खरीदी पर एक गिफ्ट कूपन और जीतिए एक से बढ़कर एक प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज हुंडा शाइन मोटरसाइकिल, सेकंड प्राइज हुंडा डियो स्कूटर, तीसरा प्राइस 50 इंच एलईडी टीवी और इसके साथ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एंड्रॉइड मोबाइल, माइक्रोवेव ओवन, स्मार्ट वॉच, मिक्सर जैसे 90 और प्राइजेस। सिल्क और फैंसी साड़ीज, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, सलवार सूट, वेडिंग शरारा, शर्ट, ट्राउजर्स, टी शर्ट्स, जीन्स, कुर्ता सूट, फुल सूट, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड मारुति गली बेलगावी, आदर्श साड़ी ड्रेस मटेरियल रामदेव गली बेलगावी, आदर्श ड्रेस सर्कल क्रिएशन फॉर लेडीज एंड किड्स खड़े बाजार बेलगावी, आदर्श रेडीमेड फॉर जेंट्स खड़े बाजार बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कर्नाटक प्रशासन ने फिर से मराठी भाषी बोर्ड को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वहीं गुरुवार शाम को कपिलेश्वर मंदिर और उसके आसपास के मराठी बोर्ड हटा दिए गए। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं का मानना है कि आने वाले समय में आक्रामक रुख अपनाना जरूरी है, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मराठी भाषा बोर्ड का विरोध कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर का सोमवार 22 को उद्घाटन होगा। शहर के विभिन्न हिस्सों में तकितियाँ लगाई गई है और कई स्थानों को बड़े पैमाने पर सजाया गया है। जगह जगह भाषा में तकितियाँ और बैनर लगाए गए हैं, लेकिन मराठी भाषा से ईर्ष्या करने वाले प्रशासन ने कपिलेश्वर मंदिर क्षेत्र में लगे मराठी तकितियों को हटा दिया गया है और मराठी के प्रति नफरत दिखाई है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन चालकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया। रिक्शा चालकों के साथ साथ अन्य वाहन चालकों को भी शहर में यातायात नियोजन के नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही सड़क सुरक्षा को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। यह मार्गदर्शन CPI विनायक बेजर ने दिया। हाल ही में ड्राइवरों के लिए ट्रैफिक प्लानिंग के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उस समय उन्होंने मार्गदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में रिक्शा चालक शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल दुबे वाले के मार्गदर्शन में किया गया। इसमें चालकों की कई शंकाओं का समाधान किया गया, साथ ही ट्रैफिक प्लानिंग के लिहाज से सड़क का निरीक्षण कर एक राउंड बनाया गया।
इसमें बड़ी संख्या में यातायात पुलिस विभाग के पुलिस कर्मी शामिल हुए। आराधना स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल को सहायता। शहर के कोंकण मराठा समुदाय ने हाल ही में किले में आराधना स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल को स्कूल की आपूर्ति दान की है। इसमें एक ग्रिल दरवाजा, दो साइकिलें, खाक कंटेनर है, लोहे की अलमारी उपलब्ध कराई गई। कोंकण मराठा समाज के अध्यक्ष डॉक्टर कोयर राणे, उपाध्यक्ष राजेश पवार, सचिव राजन नाईक, कोषाध्यक्ष उत्तम साळुंखे, सदस्य डॉक्टर प्रकाश गावकर, सुदर्शन सावंत, डॉक्टर प्रवीण कुमार नाईक, सुशांत सावंत, पूजा नाईक, ज्योत्सना राणे, दिलीप साळुंखे ने स्कूल का दौरा किया। प्रिंसिपल गजानन सुतार ने सभी को गिफ्ट कार्ड और बुके देकर स्वागत किया। राशन दुकानदारों को राहत देने की मांग। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कई दामनकारी नियमों के कारण सरकार द्वारा अनुमोदित राशन दुकान मालिकों के लिए जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। सर्वर की समस्या बनी सरदर्द है। GST, रखरखाव, मरम्मत, EKYC अन्य सरकारी कार्यों से संबंधित है। राशन दुकानदार स्थानांतरण से होने वाली अल्प आय से गुजारा कर रहे हैं। वाताराज राशन दुकान चालक राजशेखर, उपाध्यक्ष ओनर्स एसोसिएशन तलवार द्वारा प्रस्तुत किया गया। हाल ही में कन्नड़ भवन राशन दुकान चालकों और मालिकों की एक सभा आयोजित की गई थी। वह उस समय बात कर रहे थे। विधायक राजू सेठ, उप महापौर रेशमा पाटिल, सुरेश राजूकर, मारुति अंबोलकर, नारायण कलकुंद्री आदि उपस्थित थे। चित्पावन ब्राह्मण संघ द्वारा तिरुगुल समारोह। चित्पावन ब्राह्मण संघ ने हाल ही में हिंदवाड़ी के IMER हॉल में तिरुगुल समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर गोविंद फड़के, डॉक्टर सतीश गोखले, प्रकाश बापट, वासुदेव छत्रे गुरुजी ने दीप प्रज्वलित कर परशुराम की छवि का पूजन किया। वासुदेव छत्रे गुरुजी का शॉल, श्रीफल, माला एवं उपहार देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बाल कीर्तनकार शैली भिड़े का परिचय निकिता गोरे ने किया। डॉक्टर सतीश गोखले ने धन्यवाद ज्ञापित किया। केंद्र सरकार की योजनाओं से आत्मनिर्भर का मौका। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में घूम रही है। इसके तहत केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी अब जनता तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन हिंदवाड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा द्वारा जैन बस्ती परिसर में किया गया था। इस अवसर पर सांसद मंगला अंगड़ी, महापौर शोभा सोमनाथ से विधायक अभय पाटिल, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के निदेशक विनोद शेषन आदि मौजूद थे। विधायक अभय पाटिल ने आम लोगों से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिंदवाड़ी शाखा के प्रबंधक तेजस दिवेकर ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस्कॉन में रथ यात्रा मंडप का मुहूर्त संपन्न। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की ओर से हरे कृष्णा रथ यात्रा उत्सव का आयोजन 10 और 11 फरवरी को किया गया है, जिसकी तैयारियां चल रही है। और शुक्रवार सुबह श्री राधा गोकुल आनंद मंदिर के सामने रथ यात्रा के लिए बनाए जाने वाले मंडप का उद्घाटन किया गया। मुहूर्त मेद का संचालन इस्कॉन बलराम के अध्यक्ष और वरिष्ठ सन्यासी परम पावन भक्ति रसामूर्त स्वामी महाराज ने किया। यह जानकारी इस अवसर पर भक्ति रसामूर्त स्वामी महाराज ने दी। इस अवसर पर बाल किशन भट्ट, नारायण गौरांग प्रभु, राम प्रभु, नागेंद्र प्रभु, अमृत कृष्ण प्रभु, शंकर आरन प्रभु, देवेंद्र प्रभु, शंकरशन दास सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।